वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14. इन दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इन टू इट्स वेपर इज कॉल्ड. नाउ हियर द क्वेश्चन इज चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर मीन्स गैसेस. ओके, वाटर है वो लिक्विड है एंड वेपर मीन्स गैसेस. तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर मीन्स गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है. सो इट इज़ नोन एज इवापोरेशन. हियर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड. नाउ हियर वाटर वेपर मीन्स गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो रहा है गैसेस. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन. सपोज इन सम एरिया देर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन वॉट मे अकर. ओके, वॉट इज द रिजल्ट. सो द रिजल्ट इज ड्राउट. अगर सपोज किसी एरिया में बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई है, देन द सॉइल विल बिकम ड्राई. ग्राउंड वाटर जो लेवल होगा दैट विल ऑल्सो गेट यू नो लो. देन ड्राउट सिचुएशन में अकर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सेसिव रेन्स मे कॉज. अगर बहुत सारा बारिश हो जाती है, ओके, मीन्स इन सम एरिया देर इज एक्सेसिव रेनफॉल, देन विच सिचुएशन में अकर, देन इट इज फ्लड. सो द आंसर इज फ्लड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन. अब यहाँ पे देर आर सम सिचुएशन इज गिवन इन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. नाउ सपोज हियर आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ दी देर इज़ वन कार. ओके, कार है और बाहर मानसून सीजन है. तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि जब हम कार के ग्लास को बंद करते हैं, ओके, इन मानसून सीज़न, तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स अंदर हो जाते हैं. ओके, हमारी कार के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं. तो वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन. ओके, ड्रॉपलेट्स मे अकर ऑन द ग्लास सर्फेस, सो इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन. नाउ सेकेंड इज स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरन्ड. जब हम किसी मीन्स स्टीम्ड राइजिंग, ओके, जब हम वेट क्लोथ को यू नो ड्राई करते हैं फ्रॉम द आयरन प्रेस से, तो एक अजीब सी स्टीम निकलती है. ओके, स्टीम मीन्स भाप निकलता है उसमें से. सो वॉट इज़ द रीज़न? इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन, बिकॉज वहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है. ओके, क्योंकि वेट क्लोथ के मीन्स जो क्लोथ है वो वेट है, उसके अंदर वाटर है और आप उस पर गर्म आयरन रख रहे हो, दैट मीन्स दैट वाटर इज़ गेटिंग इवापोरेटेड. ओके, दैट्स व्हाई दैट स्टीम इज़ कमिंग आउट ऑफ द वेट क्लोथ्स. ओके, सो हियर द आंसर इज इवापोरेशन. थर्ड इज फॉग अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग. सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन विंटर मॉर्निंग देर इज़ लॉट्स ऑफ फॉग. So what is the reason? The reason is condensation. Fourth is blackboard dries up after wiping it. Blackboard जो होता है, अगर वो wet है, हम उसको wipe करते हैं, तो वो means जो साफ हो जाता है, dry हो जाता है. What is the reason? The reason is evaporation. अपने आप जो है, क्योंकि obviously air में warmth रहती है, heatness होती है, sunlight होता है, तो due to that blackboard gets evaporated, means blackboard पे जो wetness होती है due to water, it gets evaporated. So the answer is evaporation. Fourth is steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. Steam जो है वो rising up होती है. Okay, hot girdle means suppose यहाँ पे hot girdle या hot grilled जो बोलते हैं ना, ओके, उस पर अगर हम लोग पानी थोड़ा सा डालते हैं तो वो स्टीम जैसा निकलता है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू लिटिल बिट इजी एग्जांपल, लाइक सपोज देर इज़ वन पैन ऑन अ बर्नर एंड वो कंटिन्यूसली ओके बर्नर पे हीट हो रहा है वो पैन, और आप जब उस पर पानी डालोगे तो अजीब सा स्टीम निकलेगा. तो वॉट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ इवापोरेशन. ओके,
जैसे वेट क्लोथ पे हम आयरन गरम गरम आयरन डालते हैं तो कैसे स्टीम निकलता है, वैसे ही. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हियर यू हैव टू राइट ट्रू विच आर ट्रू एंड विच आर नॉट ट्रू. ओके, दिस इज नॉट ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू. कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, वो आपको लिखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून. क्या वाटर वेपर सिर्फ मॉनसून टाइम पे होता है? सो द आंसर इज नॉट ट्रू. ओके, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वाटर वेपर तो हमेशा होता है, वेदर इट इज समर सीजन, मॉनसून सीजन, विंटर सीजन, एनी सीजन. ओके, सेकेंड इज वाटर इवोपरेट्स इन टू एयर फ्रॉम ओशियंस रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल. वाटर जो है वो इवोपरेट होता है फ्रॉम द इन टू एयर फ्रॉम ओशियन रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल. सो द आंसर इज नॉट ट्रू बिकॉज वाटर तो इवोपरेट होता है फ्रॉम सॉइल ऑल्सो. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो द आंसर इज नॉट ट्रू. थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इन टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. सो द आंसर इज ट्रू. फोर्थ इज द इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन नाइट. वाटर इवोपरेशन जो होता है वो सिर्फ नाइट टाइम पे होता है. सो द आंसर इज नॉट ट्रू बिकॉज इट हैपेंस इन नाइट ऑल्सो. द लास्ट क्वेश्चन इज वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर व्हेन इट इज कूलर. सो द आंसर इज ट्रू. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज सपोज यू वॉन्ट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ येस हाउ? सो द आंसर इज येस बिकॉज if you want to dry your school uniform quickly then you have to spread on angiti. ab dekho angiti ya heater pe aapka wet cloth jal sakta hai to aapko usko pakad ke rakhna hoga. okay, first of all you have to do that. What happens, because it is heater so the water which is present on wet clothes it get vaporizes. okay, wo evaporate ho jayega, vaporize ho jayega. so ये जो आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है विच इज़ वेट इट विल ड्राई क्विकली. ओके, दैट्स वाई द आंसर इज येस. क्वेश्चन फिफ्थ इज टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल. आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अराउंड इट, वाई? नाउ द आंसर इज द पडल ऑफ वाटर. ओके, सीन अराउंड द कूल्ड वाटर मीन्स जो ड्रॉपलेट्स हैं. ओके, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सीन अराउंड द कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन इफेक्ट. अब देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो बॉटल था वहाँ की एयर कैसी होती है, कूल्ड. बट व्हेन वी आर टेकिंग आउट दैट कूल्ड बॉटल इनटू आवर नॉर्मल टेम्परेचर रूम देन वहाँ का एयर कैसा है, इट इज़ वॉर्म. ओके, दैट मीन्स उस वॉर्म एयर में आते ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ने इट गेट स्टार्ट कन्वर्टेड. ओके, सिक्स क्वेश्चन इज टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीद आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट. एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट. सो द क्वेश्चन इज जब हमें अपने अपने स्पेक्टिकल को क्लीन करना होता है तो हम हमारे माउथ से ओके हम मीन्स एक्सहेल करते हैं बेसिकली और फिर वो जो मीन्स हमारे स्पेक्टिकल्स को हम क्लीन करते हैं. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हियर द आंसर इज वाटर वेपर आल्सो गेट रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ओके, इन द प्रोसेस अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. सो हियर वाटर वेपर गेट्स अटैच्ड विद द ग्लास ऑफ स्पेक्टिकल एंड कंडेंस्ड इन द प्रेजेंस. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सराउंडिंग देयर ग्लासेस. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है अगेन, क्योंकि देखो वेन एवर वी आर एक्सहेलिंग तो हमारे माउथ के साथ साथ क्या निकल रहा है, वाटर वेपर. ओके, वेपर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ. तो जो ग्लास है, ओके, जो आपकी स्पेक्टिकल का ग्लास है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक हो जाएंगे और फिर आप उसको किसी भी अच्छे क्लीन क्लोथ से, कॉटन के क्लोथ से आप उसको वाइप आउट कर लो और आपका स्पेक्टिकल्स जो है वो क्लीन हो जाएगा. ओके,
Now the seventh question is, how are clouds formed? Clouds कैसे बनते हैं? So the answer is, when air moves up, it gets cooler and cooler. After reaching some sufficient height, the air so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny droplets, okay, of water. And that droplets start floating in the air, which thus formed cloud, okay. Now the eighth question is, when does a drought occur? Drought situation kab occur hoti hai, kab banti hai? So the answer is, when area does not receive rainfall for a period of year or more. So automatically the soil continue to lose water, okay, by evaporation and transpiration, and then that soil become dry, and groundwater also, okay, may also become scarce, which may lead to drought. Okay students, so this was all about for this exercise of chapter 14. If you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Thank you.